जैसे जैसे विकास होते जाते हैं उसी प्रकार से नई नई चैलेंजेस भी मनुष्य के सामने उपस्थित होती है। जितनी दवाइयां खोजते हैं उससे ज्यादा बीमारियां निकल आती है। तो एक सृष्टि का क्रम है, लेकिन अगर मनुष्य संकटों का अनुमान लगा करके संकटों से उभरने के लिए अगर कुछ व्यवस्थाएं विकसित करता है, कुछ योजनाएं बनाता है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था होती है, तो संकट से नुकसान कम से कम किया जा सकता है। 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो पूरा विश्व ये मानता था कि अब गुजरात खत्म हो गया, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। वो आपत्ति बड़ी भयानक थी और हम भी अगर चाहते तो उस आपत्ति के समय लोगों के पुनर्वसन के छोटे मोटे काम करके वही रुक जाते। और शायद जैसा हमारे देश का स्वभाव है, न उसकी कोई चर्चा होती न उसकी कोई आलोचना होती। लेकिन हमने 2001 के उस भूकंप के बाद सोचा कि भले ही ऐसी आपदा शताब्दी में एकाध बार क्यों ना आती हो, लेकिन मानव जाति की रक्षा के लिए हमने उसमें से कोई सबक सीखना चाहिए, कुछ व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। और पूरे भारत में गुजरात पहला राज्य बना जिसने इतनी बड़े संकट की आपदा को अवसर में पलट करके फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गुजरात में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। और उसके बाद भारत सरकार ने भी उसका अध्ययन करते हुए उसको स्वीकार किया और बाद में भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट के रूप में उसको भेजा। इसके पीछे हमारा जो मकसद था कि जिस प्रकार से औद्योगिक विकास होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हो, और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां भूकंप का भी संकट होता है, सुनामी का भी संकट होता है, तो ऐसी स्थिति में क्यों न हम एक फुल प्रूफ व्यवस्था विकसित करें। और गुजरात ने उस दिशा में प्रयास शुरू किए। विश्व की जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थी वहां पर गुजरात के सरकार के कुछ मुलाजिमों को ट्रेनिंग के लिए भेजा। शायद पूरे हिंदुस्तान में से जितने लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर गए होंगे उससे ज्यादा गुजरात के सरकार के मुलाजिम दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाकर के इस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो आवश्यक ट्रेनिंग थी वो करके आए। दूसरा काम हमने प्रारंभ किया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का। आम तौर पर हमारे देश में आज भी फायर फाइटर यानी टैंकर होता है और ज्यादा से ज्यादा कोई कहीं कोई घटना घटी तो टैंकर दौड़ता है और फिर वो कोशिश करते हैं उसमें से पानी निकाल करके बुझाने की। गुजरात पहला राज्य है जिसने आधुनिक साधनों से सभी नगर पालिकाओं को सज्ज किया। हिंदुस्तान में अपने एक साल पहले देखा होगा कलकत्ते में भयंकर आग लगी, कोई साधन उपलब्ध नहीं थे कि वहां कैसे पहुंचे। थोड़े समय पहले कलकत्ते में एक अस्पताल में आग लगी, साधन उपलब्ध नहीं थे, लोग उपलब्ध नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी और काफी बड़ा नुकसान हो गया। तो गुजरात ने इस संकट को ध्यान में रखते हुए उस दिशा में प्रयास किया। गुजरात ने एक विशेष अभियान लिया स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम। स्कूल के अंदर मिनिमम नॉर्म्स तय किए, उसको लागू करने के लिए व्यवस्थाएं की, स्कूल के स्टाफ को बच्चों को ट्रेनिंग करने की निरंतर प्रक्रिया चल रही है।
तो इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए एक लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम, आधुनिक से आधुनिक साधनों को बसाना और उसके माध्यम से आम आदमी को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। गुजरात दो क्षेत्रों में जो प्रगति कर रहा है, एक पेट्रोलियम सेक्टर और दूसरा केमिकल, ये दोनों ऐसे हैं कि जहां के हाथ से बहुत भयंकर नुकसान कर सकते हैं। उस दिशा में भी हमने काफी प्रगति की है और काफी व्यवस्थाएं विकसित की है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी हमने स्वीकार किया है। विक्रम जी के माध्यम से यहां जो कार्य हो रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है, न सिर्फ गुजरात को लेकिन गुजरात के बाहर भी आने वाले दिनों में फायर सेफ्टी के क्षेत्र में जिस प्रकार की ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी उसको प्रोवाइड करने का एक सौभाग्य इस बड़ौदा जिले को प्राप्त होने वाला है, गुजरात को प्राप्त होने वाला है, इस इंस्टीट्यूट को प्राप्त होने वाला है। मैं विक्रम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके इस साहस को बहुत बड़ा बल मिलेगा और एक प्रकार से यहां जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं वो लोग आम आदमी की जिंदगी के रक्षक है। जो काम एक डॉक्टर करता है उतना ही गंभीर काम एक फायर सेफ्टी से जुड़ा हुआ इंसान करता है। एक डॉक्टर जब इंसान को बचा लेता है, फायर सेफ्टी में अपनी जान लगा करके दूसरे की जिंदगी बचाने का साहस करता है। यहां जो लोग आते हैं उनको सिर्फ साधनों को चलाने की ट्रेनिंग नहीं होती है, उनके अंदर एक साहस भर दिया जाता है, किसी की जिंदगी को बचाने के लिए मौत से जूझना सिखाया जाता है और यही जो है ताकत वो अल्टीमेटली इंस्पिरेशन देती है। किसी व्यक्ति की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी क्यों छोड़ दे इंसान, जब तक उसके भीतर ड्यूटी से भी ऊपर कोई संस्कार होते हैं तब वो होता है। वो प्रयास इस इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये प्रयास गुजरात में सुरक्षा के क्षेत्र में जो अनेक काम हो रहे हैं उसमें और एक नजराना आज गुजरात को हम समर्पित कर रहे हैं। फिर एक बार आप सबके भी जाने के लिए सौभाग्य मिला, धन्यवाद।